हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपिंग यू ऑल आर ग्रेट। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी दही भल्ला रेसिपी। अगर आप रेस्टोरेंट स्टाइल दही बड़े बनाना चाहते हैं और घर बैठे इंजॉय करना चाहते हैं तो मेरी रेसिपी को एंड तक फॉलो करिएगा, और अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दिएगा। आइए इंग्रेडिएंट्स पे नज़र डाल लेते हैं। यहाँ मैंने ली है उड़द की दाल और मूंग की दाल, ओवरनाइट सोक करके रखी है। क्वांटिटी में उड़द की दाल 100 ग्राम है तो मूंग की दाल 200 ग्राम लें। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप 1 बोल उड़द की दाल लेते हैं तो 2 बोल्स मूंग की दाल लें। अगर आप मेजरमेंट परफेक्ट लेंगे तो भल्ला या वड़ा एकदम परफेक्ट बनेगा। अच्छी तरह वॉश कर लें। ग्राइंडर में हमें इसका बिल्कुल फाइन पेस्ट ग्राइंड करना है। थोड़ा थोड़ा वाटर डाल के बिल्कुल फाइन पेस्ट इसका ग्राइंड कर लें। हमें बहुत थोड़ा वाटर डाल के ही ग्राइंड करनी है अपनी दाल। अगर आप ज़्यादा वाटर यूज़ कर लेंगे तो हमारा जो पेस्ट है बहुत ज़्यादा वाटरी हो जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा वाटर डाल के ग्राइंड करें। देखिए मेरी दाल का पेस्ट बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो गया है। इसमें मैं ऐड करूंगी सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट ऐड करें। और हमें इस पेस्ट को अच्छी तरह बीट करना है। स्पून या बीटर की हेल्प से कम 5-10 मिनट्स बीट कर लें। इसे बीट करने से हमारे भल्ले या वड़े फ्लफी और सॉफ्ट बनेंगे। देख सकते हैं आप, मेरी दाल का पेस्ट बिल्कुल रेडी है। ना ही मेरा पेस्ट की कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिक है और ना ही मेरी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा रनी। और एक डिश में मैंने वार्म वाटर लिया है, हल्का सा पानी गरम कर लिया है और साइड में रख लें। ऑयल को हीट कर लें और भल्ले या वड़ों को हाई फ्लेम पे फ्राई करें और गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें। फ्राई करते समय भल्लों को थोड़ा थोड़ा प्रेस भी करते रहें ताकि भल्ले अंदर से भी पक जाएं। भल्लों को ऑयल में से डायरेक्टली वार्म वाटर में ही डाल दें। वाटर में भल्लों को विद इन अ डे ही कंज्यूम कर लें, क्योंकि वाटर में भल्ले बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। भल्लों या वड़ों को अगर रखना चाहते हैं तो ड्राई रखें रेफ्रिजरेटर में, या आराम से 8-10 डेज चल जाते हैं। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएं तो एक पॉली बैग में टाइटली रैप करके फोक से होल्ड करके रेफ्रिजरेटर में रखें। मेरे भल्ले अंदर से बिल्कुल पक गए हैं और बहुत सॉफ्ट बने हैं, और ये वाटर में जो भीगे हुए हैं ये और भी सॉफ्ट हो जाएंगे। अब हम बनाएंगे दही। मेरे पास है अमूल की क्रीम और अमूल का दही। दही को अच्छी तरह बीट करें और उसमें साथ ही साथ अमूल की क्रीम भी ऐड कर लें। अमूल की क्रीम ऐड करने से दही और क्रीमी हो जाएगा और दही टेस्टी हो जाएगा। अब मैं ऐड करूंगी दही में थोड़ी सी चीनी, और चीनी ऐड करने के बाद भी दही को अच्छी तरह बीट करें। अब है मेरे पास सेब, अनार, चाट मसाला और दही बिल्कुल रेडी है। अच्छी तरह बीट कर लिया है मैंने। भल्ले भी अच्छी तरह गर्म पानी में सोख हो गए हैं। इमली की चटनी, मीठी चटनी इमली की रेडी है। भल्लों को अच्छी
तरह हाथों की मदद से निचोड़ लें और दही में रैप कर लें और सर्व करते जाएं प्लेट में। वड़ों पे अच्छे से चाट मसाला स्प्रिंकल कर लें ताकि इनमें भी एक फ्लेवर और टेस्ट आ जाए चाट मसाले का। और अब हम ऐड करेंगे मोर दही। अपने वड़ों को अच्छे से दही में सोक कर लीजिए, इतना दही डालिए। अब मैं थोड़ा सा और ऊपर से चाट मसाला इस पर स्प्रिंकल करूँगी। अनार ऊपर से इसमें डेकोरेट कर लें। अनार और सेब से ऊपर से डेकोरेट कर लें। मीठी इमली की चटनी ऐड करके दही बड़ों को डन कर लीजिए। इमली की चटनी अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट ऐड करिए, मुझे ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। इमली की चटनी दही बड़ों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसलिए इमली की चटनी एकदम टेस्टी, खट्टी, मीठी बनाइएगा। इंशाल्लाह मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी इमली की चटनी की रेसिपी। दही बल्ले बिल्कुल रेडी हैं, वड़े एकदम सॉफ्ट बने हैं, ऑल ओवर टेस्ट भी बिल्कुल परफेक्ट और यमी है। मेरी रेसिपी फॉलो करके बनाएं दही बल्ले और इन्जॉय करें घर बैठे रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कर दिएगा और सब्सक्राइब कर दिएगा। सब्सक्राइब करने में ज़्यादा कंजूसी ना दिखाएं, रेसिपीज़ और व्लॉग्स इन्जॉय करें और दिल खोल के सब्सक्राइब करें। एवरीवन थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ मैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ट्राई माई रेसिपीज, डू टेल मी इन माई कमेंट बॉक्स। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, बाय।